Hello dear student today's topic is stalk rot of maize which is also a bacterial disease a bacterial stalk and sheath rot of maize was first reported from Pusa Bihar in 1930 the disease is fairly destructive in areas of high rainfall such as in the tarai region of up एंड बिहार एंड ऑल्सो इन राजस्थान आंध्र प्रदेश एंड कश्मीर ये जो स्टॉक रॉट ऑफ मेज की डिजीज है ये सबसे ज्यादा जो हार्मुल है उन एरियाज में ज्यादा है जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है जैसे कि यूपी और बिहार के एरिया और इसके अलावा कुछ पार्ट राजस्थान आंध्र प्रदेश और कश्मीर में भी ये जो बैक्टीरियल डिजीज है वो इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करती है

टू एरिया डिपेंड करता है और बैक्टीरिया के अलावा कुछ फंगाई भी हैं जैसे कि पाइथियम हो गया फ्यूजेरियम है है ये भी मेज के अंदर स्टॉक रॉट डिजीज उत्पन्न करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होंगे इस डिजीज के द डिजीज अकर ऑन यंग एज वेल एज ओल्ड प्लांट्स ये जो डिजीज है यंग प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करती है और ओल्ड प्लांट्स plant, को भी इन्फेक्ट करती है द रॉट अकर एट द लोअर नोट्स ये लोअर नोड से स्टार्ट होती है सबसे पहले एंड पास अप एंड डाउन द स्टॉक टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट सम्स रॉट इनवॉल्व रिंड ओनली अ डार्क सॉफ्ट डीके विथ एडवांस ऑफ स्टॉक रॉट लीव्स में स्टार्ट यलोइंग एंड ड्राइंग जैसे जैसे जो डिजीज uh, uh, है इन्फेक्शन है एडवांस स्टेज में होता है उस समय ये स्टॉक के साथ साथ लीव्स को भी इन्फेक्ट करता है और लीव्स में जब इन्फेक्शन होता है तो लीव्स येलो हो जाती हैं और इनमें ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है ये जो लीव है वो सूखना स्टार्ट हो जाती है इसके साथ स्टॉक में तो इन्फेक्शन होते ही है लीफ में भी होता है और जब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ द स्टॉक आर सबसे पहले सॉफ्ट होते हैं बट लेटर दे टर्न इनटू अ ड्राई मास ऑफ श्रेडेड इजीली जॉइंटेड फाइबर्स इन एडिशन टू स्टॉक रॉट अ लाइट टू डार्क ब्राउन रॉटिंग ऑफ शीत स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज अटैच टू द अफेक्टेड टिश्यू ऑफ द स्टॉक। पॉजल ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा ये डिजीज कॉज होती है पॉजल ऑर्गेनिजम इज क्राइसेंथिमाई पैथोवायरस जी आई इज द मेन कॉज ऑफ बैक्टीरियल स्टॉक रॉट ऑफ मेज एंड दिस पैथोजन दिस बैक्टीरियम वॉज अर्लियर नोन एज इर्विनिया कैरेटोवोरा स्पीसीस जेई इन एडिशन

इस इर्विनिया क्रिसेंथिमाई के साथ ही जैसे पहले आपको बताया था कि दूसरे बैक्टीरिया भी ये डिजीज कॉज करते हैं तो उसमें इर्विनिया डिसॉल्वेंस एंड सीडोमोना सिरिंजी भी इस स्टॉक रॉट ऑफ मेज को साथ में डिजीज कॉज करते हैं इसमें दिस इर्विनिया क्रिसेंथिमाई इज अ मच लार्जर स्पीसीज देन इर्वेनिया कैरेटोवरा बोथ बिलोंग टू द सेम सॉफ्ट रॉट ऑफ पैक्टोलिटिक ग्रुप ऑफ इर्वीनिया इट मेनली अफेक्ट क्रॉप एंड अदर प्लांट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ये सामान्यतः कटिबंधीय और उष्ट कटिबंधीय क्षेत्र के प्लांट्स को और दूसरे क्रॉप को भी अफेक्ट करती हैं इन्फेक्ट करती हैं इट मेनली कॉज पैरेंकाइमेटस नेक्रोसिस एंड वेस्क्यूलर विल्ट तो ये बैक्टीरिया है इसके अंदर नॉर्मली पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं उनके अंदर उनकी डेथ हो जाती है या फिर विल्टिंग हो जाती है जिसको हम ब्लैक लैग सिम्टम्स ऑफ मेज के नाम से भी जानते हैं जो इस बैक्टीरिया है आ, सेल है इसकी इरविनिया क्रिसेंथीमाई आर शॉर्ट रॉड्स मेजरिंग पॉइंट फाइव टू पॉइंट सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव टू थ्री मिली माइक्रोन एंड यूजली अकर इन पेयर्स दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेरी ट्राइकली फ्लैजलेट पूरी बॉडी पेन के फ्लैजिलान ये नहीं करते हैं एंड दे आर नॉर्मली फैकल्टेटिव एन एरो ऑप्टिम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज थर्टी टू थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैगजिम इज थर्टी सेवन टू फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड एंड थर्मल डेथ पॉइंट लाइज बिटवीन फिफ्टी टू फिफ्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी डेथ हो जाती है यदि अब हो जाता है तो ये बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और ग्रोथ के लिए जो मैग्जिम टेम्परेचर है ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं वो थर्टी से थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करती है डिजीज साइकिल द ऑर्गेनिजम प्रोबेबली लिवस सैप्रोफेटिकली ऑन डिजीज प्लांट डिजीज प्लांट के अंदर ही नॉर्मली मृतोपजीवी के रूप में रहता है जो प्लांट डेब्राइसिस होता है उसके अंदर एंड इन द राइजोस्फेयर ऑफ द नॉन होस्ट प्लांट और जो नॉन होस्ट प्लांट है मेज के अलावा उसके ये राइजोस्फेयर के अंदर ही सर्वाइव करता है बैक्टीरियम कैन सर्वाइव इन फील्ड सॉइल कंटेनिंग होस्ट डेब्राइसिस फॉर टू सेवेंटी डेज सॉइल के अंदर नॉर्मली ये बैक्टीरिया जो होस्ट डेब्राइसिस होता है उसमें ये 270 डेज तक सर्वाइव कर सकता है लिविंग फॉर्म में रह सकता है और आगे नेक्स्ट क्रॉप को ये इनफेक्ट भी कर सकता है इट इज डिसमिनेटेड थ्रू द मूवमेंट ऑफ सॉइल बाय रेन और इरीगेटेड वॉटर ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो इसका मूवमेंट है सॉइल uh, के थ्रू रेन हो या फिर इरीगेटेड वॉटर के थ्रू ये रेन के साथल uh, के साथ ये मूव कर सकता है इट कॉजेज इन्फेक्शन एट द बेस ऑफ द स्टेम इन द नेक्स्ट

बेस एंड रिलेटिवली हाई टेम्परेचर फेवर द इन्फेक्शन तो ये कि जो 20 डिग्री से नीचे यदि टेम्परेचर है तब तो प्लांट्स के अंदर सिम्टम्स क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं प्लांट सिम्टमलेस होता है लेकिन 20 डिग्री से ऊपर जैसे पहले बताया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसके लिए थर्टी टू थर्टी है तो वहां सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है लेकिन बीस डिग्री से नीचे होने पर यह बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है प्लांट्स में सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं इसके अलावा कुछ और रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है जैसे इंसेक्ट इंजरी हो गई या पानी का एक्यूमुलेशन हो गया बेस स्टेम के बेस पे या नॉर्मली हाई टेम्परेचर पर इंफेक्शन सबसे ज्यादा होता है अब इस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं द एफिकेसी ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर इन द स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इन द कंट्रोल ऑफ स्टॉक रॉट ऑफ मीस क्लोरीन प्रेजेंट फॉर टेन डेज इन रूट एंड बेसल स्टेम पोर्शन एंड फॉर फिफ्टीन डेज इन द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट इसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको क्लोरोसिन कहते हैं यूज टू कंट्रोल द डिजीज एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोसिन कंटेनिंग ट्वेंटी टू परसेंट फर्स्ट बिफोर फ्लावरिंग एंड सेकेंड टेन डेज लेटर गिव गुड कंट्रोल दो हम दो ट्रीटमेंट दो पार्ट में इसको दे सकते हैं एक फ्लॉरिंग से पहले और पहले ट्रीटमेंट के दस दिन के बाद यदि हम इसका वापस से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का ट्रीटमेंट देते हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रिजल्ट हमें इससे मिल सकते हैं यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड टू वार्ड ऑफ इंसेक्ट अटैक ऑल्सो भी रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड को इंसेक्ट्स की वजह से यदि इंजरी हो रही है प्लांट के अंदर और जो इंफेक्शन को फेवर करता है तो हम इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं इंसेक्ट को खत्म करने के लिए प्लांट एंड फील्ड सैनिटेशन इज इंपॉर्टेंट एक्यूमलेशन ऑफ वॉटर अराउंड स्टॉक शुड बी अवॉइडेड क्योंकि ये भी एक फेवरेबल रीजन है फॉर इंफेक्शन तो हमें पानी को स्टॉक के अराउंड आसपास इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए स्ट्रबल ऑफ द डिजीज क्रॉप शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न जो भी डिजीज पार्ट है प्लांट का उसको हमें इकट्ठा करके जला देना चाहिए और सबसे बेस्ट जो कंट्रोल मेजर हम यूज करते हैं वो यूजेज ऑफ रेजिस्टेंट वराइटी जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी है उसका यूज यदि हम करें तो हम इस डिजीज को काफी कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं